यूपी के फतेहपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर वाहन से घर लौट रहे प्रधान पर चाकुओं और लाठियों से जानलेवा हमला कर गंभीर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही प्रधान पक्ष के लोगों ने भी दूसरे पक्ष के साथ मारपीट किया। ग्राम प्रधान को गंभीर चोटों के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चांदपुर थाना क्षेत्र के धमना खुर्द गांव के चौराहे पर खुले देशी शराब के ठेके के पास सरकारी कागजात लेकर अपनी गाड़ी से घर जा रहे तभी चौराहे पर पहले से बैठे लोगों ने ग्राम प्रधान को रोककर मारपीट किया। चाकुओं से हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया। राहगीरों ने देखा तो विरोध करते हुए जानलेवा हमले की जानकारी ग्राम प्रधान के पक्ष को हुई तो दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिससे चौराहे में हड़कंप मच गया और मारपीट में चार अन्य लोग घायल हो गए। मारपीट और कहासुनी का वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया, जिसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां धमना खुर्द गांव के प्रधान सत्य नारायण पटेल को गंभीर चोटों के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल ग्राम प्रधान के पुत्र दीपक पटेल ने बताया कि उनके पिता लगातार 1995 से ग्राम प्रधान हैं। लगातार पंचवर्षीय प्रधानी के चलते पिछले बार के चुनाव में खड़े दबंगों को मिली करारी हार की खुन्नस को लेकर जानलेवा हमला किया गया। चाकू और लाठियों से पिता के साथ मारपीट कर जान देने का प्रयास किया गया और ये सब पूर्व जेल मंत्री व वर्तमान बिंद की विधायक जय कुमार जैकी के इशारे में किया गया। आरोपियों पर पुलिस ने दबाव बस कोई कार्यवाही नहीं किया, जिससे उनके ऊपर जानलेवा खतरा है।